किसान भाइयों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल किसान सेवक अरविंद पवार में पुनः हार्दिक स्वागत है। आज आपको जो है अपने खेत में अपने फार्म पर जो है गन्ने की जो हम लोगों ने ट्रेंच विधि से जो बुआई की जिस खेत की उसको दिखाना चाहता हूँ। किसान भाइयों ट्रेंच के गन्ने से आप लोग कई लाभ, एक तो इसमें आप लेबर वर्क जो है लंबे टाइम तक कर सकते हैं, और अब जो अगर आप किसान भाई ट्रेंच की खेती करते हैं तो ये समय जो है बरसात का स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों को जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस टाइम पर ट्रेंच वाले खेत में करना है, मिट्टी चढ़ाने का कार्य, क्योंकि मिट्टी चढ़ाना बेहद जरूरी है ट्रेंच वाले गन्ने में। अगर आप मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो आपका जो है गन्ना जल्दी जो है जैसे बड़ा होगा तो अगर थोड़ी भी हवा आएगी तो उसके गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो किसान भाई आज हम लोग जो है इसी टाइप से अपने फार्म पर जो है मिट्टी चढ़ाई का जो कार्य है वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगभग 3 से 4 इंच तक जो है गन्ने के जड़ों पर जो है मिट्टी चढ़ चुकी है। इससे क्या आगे गन्ना गिरने के चांसेस जो है बहुत ही कम है। आप जो है मिट्टी चढ़ाने से पहले किसान भाई आप अपने इस खेत में जो है DAP पोटाश कीटनाशक चाहे आप जो है कोई भी डाल सकते हैं XYZ जो आपको अच्छा लगे, ये सभी जो है मिश्रण मिलाकर जो है आप इसको जैसे मिट्टी चढ़ाने से पहले आप जो है इस खेत में जो भी आपका खेत है इसमें डाले, उससे क्योंकि आपको फिर कोई दोबारा से जो है डोज देने की आवश्यकता नहीं, वो आपकी इस मिट्टी के नीचे दब जाएगा और आपके जो गन्ने की जो रूट्स है वो उसको बड़े आसान तरीके से जो है एब्जॉर्ब करती रहेगी, लंबे टाइम तक जो है वो गन्ने को जो है पोषक देती रहेगी। तो किसान भाई जो है इन चीज़ों को आप जो है जरूर डालें मिट्टी चढ़ाने से पहले। इससे हम लोग जो है इसकी जुताई गन्ने की ट्रेंच भी दिवाले की जुताई भी करते हैं और उस पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी हम लोग करते रहते हैं। और ये कुबोटा वेराइटी का जो है ये कुबोटा कंपनी का ट्रैक्टर है हमारा। आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार तरीके से जो है ये मिट्टी चढ़ा रहे हैं। तो किसान भाई आप जो है इस पर जो है मिट्टी चढ़ाने का आप जो कार्य है बखूबी कर सकते हैं। Продолжение следует...